रिंग सेरेमनी, लगन, हल्दी और मेहंदी की रस्में हो चुकी थी। दुल्हन फेरों के लिए 16 श्रृंगार कर तैयार हो गई थी। मंडप तैयार था, मेहमान नाच गा रहे थे, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि शादी के रंग में अब भंग पड़ गया और देखते ही देखते दूल्हा और दुल्हन पक्ष एक दूसरे से लड़ने झगड़ने पर आमादा हो गए। सूचना मिली तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और दूल्हा दुल्हन समेत दोनों पक्षों को थाने लेकर आई। थाने में दुल्हन और दुल्हन के भाई ने दूल्हा पक्ष पर 50 लाख रुपए दहेज मांगने का आरोप लगाया। वहीं दूल्हा पक्ष ने दुल्हन और उसके परिवार के गलत व्यवहार को विवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया। दूल्हा विदेश में नौकरी करता है और दुल्हन इंजीनियरिंग किए हुए है। फिलहाल दोनों ने शादी करने से अब इनकार कर दिया है। वहीं देर रात तक थाने में एक दूसरे पर आरोप लगाने का दौर चलता रहा और दुल्हन शादी के जोड़े में ही कई घंटों तक थाने के अंदर रही। दरअसल पूरा मामला उत्तर प्रदेश के झांसी के शहर कोतवाली इलाके का है, जहां बीती रात एक शादी समारोह में वर और वधु पक्ष आपस में भिड़ गए। मामला थाने तक पहुंच गया। थाने में भी देर रात तक दूल्हा दुल्हन के साथ दोनों पक्षों के लोग जमा रहे। दोनों ही पक्षों को समझाने की कोशिशें चलती रही, लेकिन वो अपने रुख पर अड़े रहे। आखिर में दुल्हन ने शादी से ही इनकार कर दिया। उसका कहना था कि दूल्हे पक्ष के लोग 50 लाख रुपए दहेज मांग रहे थे, कह रहे थे कि पैसा मिलने के बाद ही फेरे होंगे। दुल्हन ने बताया कि पहले 1 करोड़ की डिमांड की गई थी, जबकि दूल्हे पक्ष ने दुल्हन पक्ष पर बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक आयरलैंड में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पद पर कार्यरत आचरण जैन की शादी छतरपुर की रहने वाली आकृति जैन से तय हुई थी। दोनों की शादी कोतवाली क्षेत्र के मेहंदी बाग स्थित एक मैरिज हॉल में थी। शाम को शादी समारोह की शुरुआत हुई और शादी की रस्में होने लगी। इस बीच दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि वर और वधु अपने अपने पक्ष के लोगों के साथ शहर कोतवाली पहुंच गए, जहां वधु पक्ष के लोगों ने वर पक्ष पर दहेज में 50 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया और साथ ही पैसे न देने पर बारात लौट आकर ले जाने की धमकी भी दी। जबकि वर पक्ष के मुताबिक उन लोगों के प्रति वधु पक्ष का रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उन लोगों ने दूल्हे पक्ष के कुछ लोगों को बंधक बनाकर बुरी तरह से मारा पीटा। फिलहाल झांसी शहर कोतवाली में देर रात तक दोनों पक्षों को समझाने की कोशिशें की जाती रही, लेकिन सुलह नहीं हो पाई। दोनों ही पक्ष की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई है और पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है।